आपका अपने YouTube चैनल बैक टू बेसिक्स में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमें साइकोलॉजी को किस प्रकार पढ़ना है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ, मेरा भी YouTube चैनल है तो मैं अपने YouTube चैनल पर ही ये आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। YouTube चैनल होने के बावजूद पहली चीज़, बुक का कोई भी अल्टरनेट नहीं है। यानी हम क्या करते हैं, हम अपने कम्फर्ट के लिए बार बार खंगाला, YouTube पे वीडियो देखी, हो गया। मैं ये साफ साफ कहता हूँ कि YouTube, मेरा मानना है, ये हो सकता है किसी दूसरे का मानना और कुछ हो, लेकिन YouTube वीडियो किसी का अल्टरनेट नहीं है। हाँ, वो फायदेमंद तब होगा तब आप उसके साथ साथ बुक्स पढ़ोगे। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं बुक्स की। देखें, साइकोलॉजी में वैसे मार्केट में जाएंगे बहुत सारी बुक हैं, लेकिन उनमें से जो मेरे को सबसे अच्छी लगी और मैंने कई बार उसको रीड भी किया है, वो आती है एक TN नाम से इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसकी अपनी एक बुक आती है साइकोलॉजी की, यानी उसमें शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र दो बुक आती हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस उसको देनी है, वहीं से आपको चीज़ों को पढ़ना है। अब बात करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में जो उस बुक में पहले पेज पर है, हम वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको उसको एक इजी लैंग्वेज में, देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी और जो बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट हैं, और उसको एक आसान लैंग्वेज में इजी कर करके मैं आपको बताऊंगा। तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, बट ये बड़ा बट है, लेकिन आपको किताब जरूर पढ़नी है। ये भी नहीं कि मेरी वीडियो सफिशियंट होंगी, नहीं होंगी, क्योंकि जब आप किताब पढ़ोगे तो किताब पढ़ने के बाद ही आपका खुद का एक क्यूरियोसिटी बनेगी, खुद का आपका ज्ञानवर्धन होगा और खुद आप अपने तरीके से सोचोगे। अब तो मैं जैसा पढ़ाऊंगा आप वैसे सोचने लग जाओगे, लेकिन बुक से भी कई और एस्पेक्ट निकल सकते हैं जो मेरे को भी नहीं पता या किसी को भी नहीं पता हो सकता, किसी दूसरे को कुछ एस्पेक्ट नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। तो बुक रीडिंग इज वेरी 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 मस्ट। चलो शुरुआत करते हैं। तो ये जो बुक है, इसी का हम पहला लेसन जो कि मनोविज्ञान है वो शुरू करते हैं। देखिए, जो मनोविज्ञान है उसको अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, और जो साइकोलॉजी है वो ग्रीक भाषा के शब्द से निकला है। ग्रीक भाषा में दो शब्द हैं, एक साइको, एक लोगोस। अब बात करते हैं साइको। साइको का अर्थ होता है आत्मा ग्रीक भाषा में। अब लोगोस का अर्थ है क्या, विवेचना, अर्थात आत्मा का एक विषय के रूप में अध्ययन ही उस टाइम पे साइकोलॉजी कहा गया। दो मेन थे जो इसके क्या थे, जो इस चीज़ को मानते थे, एक अरस्तु, एक प्लूटो। इन दोनों ने ही आत्मा का विज्ञान के रूप में साइकोलॉजी को माना है। फिर क्या हुआ, 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर आ गए फिलोसफर, जिनको दार्शनिक कहते हैं। उन फिलोसफर ने क्या किया, फिलोसफरों का मानना था कि जो ये साइकोलॉजी है ये एक आत्मा का विज्ञान ना होकर ये एक मन का विज्ञान है। और ये जो विचारधारा थी कि साइकोलॉजी एक मन का विज्ञान है, तो ये लगातार चलती चलती 1870 तक इस विचारधारा ये चलती रही। यानी एक तरीके से उस टाइम पे फिलोसफी का ही एक भाग होता था क्या, साइकोलॉजी। जब से दार्शनिक आए, फिलोसफर आए, उन्होंने माना कि साइकोलॉजिक आत्मा का विज्ञान नहीं है जो शुरुआत में माना था, ये एक मन का विज्ञान है। और मन के रूप में उन्होंने माना, आत्मा के रूप मन के रूप में माना, और इस प्रकार दार्शनिकों ने इस सब्जेक्ट के ऊपर कब्जा कर लिया। और उनकी ये बात थी कि ये जो फिलोसफी, जो साइकोलॉजी है वो एक फिलोसफी का ही भाग है। फिर क्या होता है, 1879 में जर्मन के अंदर विल्हेम वुंड, इन्होंने एक अपनी लैब को स्थापित किया जो कि साइकोलॉजी की पहली लैब थी। और जो ये लैब जब से उन्होंने स्थापित किया 1879 में, साइकोलॉजी की पहली लैब थी, और यहाँ से इसका प्रयोगात्मक होता गया। अब जब इसका प्रयोग प्रयोगात्मक होता गया तो एक नई विचारधारा रूप में उभरी, वो विचारधारा कहते हैं संरचनावादी, जिसका एक टीचनर और विल्हेम वुंड
उसके मेन थे, यानी उन्होंने ही उस विचारधारा को बहुत ही पनपाया था। अब संरचनावादी क्या थे? संरचनावादी कहते थे कि जो ना तो ये आत्मा ना मन, अब ये क्या है, ये है आपकी मानसिक क्रियाएं और चेतन अनुभूति के अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये संरचनावादी मानते थे। अब इसमें भी बात आती है कि अनुभूतियां क्या होती है। अनुभूति होती है एक तरीके की फीलिंग, यानी जो किया तो टच करके पता लग जाती है, महसूस होकर भी पता लग जाती है, तो ये एक तरीके की फीलिंग होती है। अनुभूतियों को ही कहते हैं फीलिंग। अब पहली जो दो थी, जो आत्मा मानते थे और मन मानते थे, उनकी कमी ये थी, उनकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि जो ये आत्मा है और मन है, ये क्या है, ये हमें अमूर्त चीज़ें हैं। अमूर्त का मतलब जो हमें दिखाई नहीं देती, ना हमें आत्मा दिखाई देती ना उसको, ना हमें मन दिखाई देता। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी अमूर्त चीज़ें हैं, और अमूर्त का वैज्ञानिक अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल है, यानी संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार संरचनावादी, उसकी अगली विचारधारा जो मैंने आपको अभी बताई, इनके बाद संरचनावादी ये आते हैं जिन्होंने की मानसिक क्रियाएं और चेतन अनुभूतियों का अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहा गया। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि इन्होंने, फिर बात आई कि सारी की सारी अनुभूतियाँ जो फीलिंग होती हैं वो अचेतन भी होती हैं, जरूरी नहीं चेतन ही हों, अचेतन भी होती हैं। तो इसके बाद आए जो विचारधारा हम आज के दिन फॉलो करते हैं, वो है व्यवहारवादी। और व्यवहारवादी कौन था सबसे बड़ा? वाटसन। तो व्यवहारवादियों का जन्म होता है। व्यवहारवादी कहते हैं उन्होंने क्या किया, जो आपका ये चेतना वाला भाग था, अनुभूतियों वाला, चेतन अनुभूतियों वाला, इसकी जगह उन्होंने व्यवहार को ऐड कर दिया। यानी जो मनोविज्ञान है वो मानसिक क्रियाओं और चेतना, मानसिक क्रियाओं और व्यवहार का ही अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान है। अब ये ऐड होने के बाद, व्यवहार ऐड होने के बाद, इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव साइंस के रूप में भी किया जाता है, हो सकता है। कैसे होता है? क्योंकि ये हमें हाउ, व्हाट और व्हाई का आंसर देता है। और वास्तव में यदि हम देखी जाएंगे तो व्यवहार का अध्ययन ही क्या है, अनुभूतियां, यानी फीलिंग। फीलिंग ही के माध्यम से तो होती है। कैसे होती है? देखो, हम कोई क्रिया करते हैं, हम किसी को कोई बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो हम क्रिया कर रहे हैं। सामने वाला क्या करता है? उसका, उसकी प्रतिक्रिया देता है। यही तो करता है, सामने वाला उसकी प्रतिक्रिया देता है। अब वो हाइपर होके देता है, वो कितनी इजीली देता है, तो यही तो उसके व्यवहार का अध्ययन है। या सामने वाला जो बोलता है वो कितने पोलाइट बोल रहा है, किस वे में बोल रहा है, ये भी तो वही चीज है, फीलिंग है, जो कि व्यवहार के माध्यम से शो की जाती है। तो यही चीज किसने कहा था? यही चीज वाटसन ने कहा था। तो हमने जाना बच्चे, हमने जाना कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी देखो, स्टार्टिंग में साइकोलॉजी चली थी आपकी आत्मा के अध्ययन से, फिर वो आ गई मन के अध्ययन से। मन के अध्ययन से किसने कहा था? मन के अध्ययन से आपको कहा था जितने भी दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था। फिर वो आ गई संरचनावादियों के ऊपर। जो संरचनावादियों थे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मानसिक प्रक्रियाएं और चेतन अनुभूतियों पर आधारित है। उसके बाद आया, उसके बाद हमारा आया व्यवहारवादी वाटसन। वाटसन ने ये कहा कि ये व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का ही अध्ययन है। व्यवहार को एक ऑब्जेक्टिव साइंस के रूप में इसको किया जा सकता है, यानी इसका एक साइंटिफिक अध्ययन किया जा सकता है, और इसमें व्हाई, व्हाट, हाउ का आंसर मिलता है। तो बच्चे, जो मेन जो एजेंडा था, जो कि एक विषय साइकोलॉजी को लेकर, कि साइकोलॉजी की क्या क्या डेफिनेशन थी, कैसे कैसे वो परिवर्तन हुआ, ये मैंने इसका एक ओवरऑल कंक्लूजन आपको बताया है कि ये इसका कंक्लूजन है ओवरऑल। बच्चे, अब आपको क्या करना है, आपको यही पेज, अपने पहला पेज जो है वो अपने TN वाली बुक में से, वहां से पढ़ना है। और आई होप आपको ये काफी इजी होगा अब वहां से अंडरस्टैंड करना। या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, तथा कमेंट बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाला गया है। लेकिन आपको बुक से जरूर पढ़ना है, और कोशिश करो पहले बुक से पढ़ो, फिर वीडियो देखो, फिर दोबारा बुक पे जाओ,
हो सकता है आपको नई चीज़ें उसमें जो मैंने नहीं ऑब्जर्व की हों वो हों, या मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई थी, हो सकता है कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें रह गई हों। देखिए कोई भी चीज़ सफिशियंट नहीं होती है, लेकिन उस चीज़ को एक आसान लैंग्वेज में बताने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। ऐसी ऐसी 10-10 मिनट की वीडियो आपको रोज़ मिलेंगी। थैंक यू।